students, welcome to Shri Sith Vidyapeeth School. I hope you are all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to complete the remaining part of the chapter, the cherry tree. In the previous video, we read about a boy named Rakesh, who was 6 years old, who used to live with his grandfather in Himalayan foothills. Once a while returning from school, he brought some cherries and the last cherry, while eating the last cherry, he thought to plant it. So he planted that seed in the corner of his garden along with his grandfather. So after some years, it turned out to be a sapling. And in the previous video, we read that the one woman mistakenly cutted the cherry tree while cutting the grass. So his grandfather scolded that woman, and now Rakesh thinks that cherry tree is going to die. So in further, we are going to read what has happened to that cherry tree. Start. "Maybe," said grandfather, but the cherry tree had no intention of dying. Grandfather said, "Maybe, shayad, वो मर जाएगा, but the cherry tree had no intention of dying." जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, राकेश उसमें बोल रहा था कि अब मेरा चेरी ट्री मर जाएगा शायद, लेकिन इसमें ग्रैंडफादर उसके बाद बोले शायद से, लेकिन चेरी ट्री के मरने की कोई इंटेंशन नहीं थी, चेरी ट्री मरने जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। By the summer time came round again, it had sent several new shoots with tender green leaves. Rakesh had grown taller too. He was 8 now, a sturdy boy with curly black hair and deep black eyes. जैसे ही फिर समर आया तो फिर से चेरी ट्री में ग्रीन लीव्स वापस आ गए, और राकेश भी अभी लंबा हो चुका था, अब वो 8 ईयर्स का हो चुका था, वो अभी एक स्ट्रॉन्ग स्टर्डी बॉय बन गया था, उसके बाल एकदम कर्ली थे और उसके आईज एकदम डीप ब्लैक थे। ब्लैकबेरी, ग्रैंडफादर कॉल्ड हिम, उसके ग्रैंडफादर उसे ब्लैकबेरी बुलाते थे। That monsoon, Rakesh went home to his village to help his father and mother with the planting and plugging and sowing. और उस मानसून राकेश अपने विलेज के अपने मम्मी पापा के पास उन्हें हेल्प करने में, किसमें, प्लांटिंग प्लगिंग और सोइंग, मतलब खेती वगैरह फार्मिंग में हेल्प करने उसके मम्मी पापा के वहाँ विलेज गया। He was thinner but stronger. When he came back to grandfather's house at the end of the rain, to find that the cherry tree had grown another foot. वो बहुत ही दुबला पतला था, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग था। जब वो ग्रैंडफादर के घर वापस आया अपने विलेज से, कब आया, बारिश ख़त्म होने वाली थी, बारिश का मौसम ख़त्म होने वाला था, तभी वो वापस आया और देखा कि चेरी ट्री एक और फुट लंबी हो गई थी। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, अब वो राकेश की चेस्ट तक आती है, मतलब उसकी चेस्ट तक पहुंच गई, इतनी लंबी हो चुकी थी। इवन व्हेन देयर वाज रेन, राकेश वुड समटाइम्स वाटर द ट्री। बारिश गिरने के बावजूद राकेश चेरी ट्री को कभी कभार पानी दे देता था। रेन्स भी होती थी, लेकिन राकेश भी कभी कभार उस चेरी ट्री को पानी दे देता था। ही वॉन्टेड इट टू नो दैट ही वॉज देयर, राकेश चाहता था कि चेरी ट्री को ये पता चले कि मैं हूँ यहाँ। राकेश ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं हूँ, मैं तुम्हारा चेरी ट्री का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ यहाँ। वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस प्रीच्ड ऑन अ ब्रांच पेयरिंग एट हिम विद बल्जिंग आइज। एक दिन राकेश को चेरी ट्री के ऊपर एक मैंटिस बोल के एक कीड़ा थी, वो उसे चेरी ट्री के ऊपर वो चलती हुई नजर आई। वो अपने बड़े बड़े आँखों से राकेश को देख रही थी। राकेश लेट इट रिमेन देयर, राकेश उसे ट्री के ऊपर रहने दिया, क्योंकि वो ट्री को कुछ हार्म नहीं करने जा रही थी, मतलब वो एक छोटी सी कीड़ा आ गई थी। इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, वो चेरी ट्री की पहली विजिटर है, चेरी ट्री पर कोई पहली बार विजिट करना है, वो थी प्रेइंग मैंटिस। The next visitor was a hairy caterpillar who started making a meal off the leaves. Our next visitor कौन थी? एक hairy caterpillar who started making a meal of, वो next जो caterpillar आई थी वो cherry tree का पत्ता खाने लग गई, वो cherry tree को अपना खाना बना ली थी।
राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स। और राकेश से तुरंत चेरी ट्री से क्विकली मतलब बहुत जल्दी उसे ट्री से फेंक दिया और वो जाके कहाँ गिरी, सूखे पत्तों के ढेर पे जाके गिर गई। कम बैक वेन यू आर बटरफ्लाई ही सेड, और उसने कहा जब तुम बटरफ्लाई बन जाओगी तब आना चेरी ट्री पर। विंटर केम अर्ली, द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो। और इस बार विंटर जल्दी आ गई थी और चेरी ट्री स्नो गिरने की वजह से, अभी तो वो स्टेम मतलब चेरी ट्री उतनी स्ट्रांग नहीं बनी तो इसलिए स्नो गिरने की वजह से वो झुक जा रही थी। फील्ड माइस सॉट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज, और फील्ड माइस भी कॉटेज के अंदर आ गई थी, मतलब राकेश लोग के घर के अंदर एक चूहा भी घुस गई थी। The road from the valley was blocked and for several days there was no newspaper and this made grandfather quite grumpy. और ये स्नो गिरने की वजह से वहाँ के रोड्स भी ब्लॉक हो गए थे, रोड्स ब्लॉक होने की वजह से बहुत दिनों तक न्यूज़पेपर नहीं आया, न्यूज़पेपर ना आने की वजह से ग्रैंडफादर का मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता था, वो जॉयफुल नहीं रहते थे, वो बहुत ही सैड रहते थे, ये सोचने में ही लग जाते थे। His stories began to have unhappy endings. और जब भी वो राकेश को कुछ स्टोरी बताते थे उसका एंडिंग हैप्पी नहीं रहता था, अनहैप्पी रहता था उसका एंडिंग्स। इन फेब्रुअरी इट वॉज राकेश बर्थडे, ही वॉज 9 एंड द ट्री वॉज 4 बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश। और फेब्रुअरी में राकेश का बर्थडे था, वो 9 साल का हो गया था, 9 ईयर्स, और ट्री 4 ईयर्स की हो गई थी, पर वो ट्री राकेश जितनी लंबी है, वो राकेश से छोटी है लेकिन वो राकेश जितनी लंबी हो चुकी थी। One morning when the sun came out, grandfather came into the garden. और एक सुबह grandfather जब सूरज निकली तो grandfather बाहर आए garden में। Let some warmth get into my bones, he said. और ये धूप में अपने बदन मतलब धूप सेकने आए थे अपने बदन को, तो बोल रहे थे थोड़े मेरे बोन्स को भी सूरज का रोशनी पड़ जाता तो अच्छा लगता। विंटर का मौसम था ना तो वो सूरज से थोड़ा अपने आप को वार्म कर रहे थे। ही स्टॉप्ड इन द फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री, स्टेड एट इट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड देन कॉल्ड आउट, राकेश कम एंड लुक। और वो चेरी ट्री के सामने आके रुक गए और चेरी ट्री को कुछ देर तक देखने लग गए और राकेश को ज़ोर से बुलाया, आओ राकेश देखो, कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एट द ट्री एज दो इट हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल। और राकेश दौड़ के आया, राकेश को बोले थे जल्दी आओ ताकि वो गिरने से पहले तुम जल्दी आओ, कौन चेरी ट्री। और राकेश और ग्रैंडफादर चेरी ट्री को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो तो बस चेरी ट्री को देखने ही लगे, ऐसे देख रहे थे जैसे वो कुछ मैजिक की हो, जैसे कुछ चेरी ट्री में मैजिक हो गया हो। There was a pale pink blossom at the end of a branch. The following year there were more blossoms. और राकेश और उसके दादाजी ने क्या देखा कि उस चेरी ट्री में एक पेल पिंक ब्लॉसम्स आ गए थे, मतलब उसमें फ्लावर्स आना शुरू हो गए थे और उसके एक साल बाद और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होने लग गए। एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश इवन दो इट वॉज लेस देन हाफ इज एज। और सडनली ट्री राकेश से भी ज़्यादा लंबी हो गई थी, इवन दो वो राकेश से उम्र में छोटी थी फिर भी वो राकेश से लंबी हो गई थी। एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर हु वॉज टॉलर देन सम ऑफ द ओक ट्रीज। और उसके बाद वो चेरी ट्री दादाजी से भी ज़्यादा लंबी हो गई थी, दादाजी जबकि सम ऑफ द ओक ट्रीज मतलब ओक ट्रीज से भी लंबे हैं, उनसे भी लंबी हो गई थी चेरी ट्री। बट राकेश हैड ग्रोन टू, पर राकेश भी बड़ा हो गया, ही कुड रन एंड जंप एंड क्लाइंब ट्रीज एज वेल एज मोस्ट बॉयज एंड ही रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। अब राकेश जैसे कि बड़ा हो गया तो अभी वो दौड़ सकता था, कूद सकता था और पेड़ भी चढ़ सकता था जैसे सब बॉयज करते हैं, और उसे बुक्स भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत सारा बुक्स पढ़ता था। Although he still liked listening to grandfather's tales, फिर भी उसे grandfather की बताई हुई कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता अभी भी।
In the cherry tree, tiny birds pecked at the blossoms and broke them off. और चेरी ट्री में छोटे छोटे बर्ड्स आते थे और उस छोटे छोटे ब्लॉसम्स मतलब वही उस फ्लावर्स को तोड़ देते थे. बट द ट्री केप्ट ब्लॉसमिंग राइट टू स्प्रिंग एंड देयर वर ऑलवेज मोर ब्लॉसम्स देन बर्ड्स. पर वो ट्री चेरी ट्री बहुत ज़्यादा ब्लॉसम करती थी स्प्रिंग में, मतलब बहुत ज़्यादा फूल होते थे उसमें. तो इतने फूल होते थे कि उस फूल बर्ड्स भी उस फूल से कम रहते थे. तो कितने बर्ड्स कितने फूल तोड़ेंगे. तो द मोर बर्ड्स यूज टू ब्रोक देम द मोर दे ब्लॉसम. जितने बर्ड्स तोड़ते थे उससे कहीं ज़्यादा तो वो ब्लॉसम करते थे. दैट समर देर वॉज स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री. और जैसे समर आया उस चेरी ट्री में छोटे छोटे चेरीज होने लग गए. राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट. जैसे राकेश ने एक ठो टेस्ट किया और उसे थूक दिया तुरंत. इट्स टू सोर इसे, वो बहुत ही खट्टा था उसने कहा. दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर से दी ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर बोले अगले साल वो और अच्छे हो जाएंगे. बट दी बर्ड्स लाइक देम स्पेशली दी बिगर बर्ड्स सच एज द बुलबुल्स एंड स्कारलेट मिनीविट्स. जैसे कि ग्रैंडफादर बोले कि अगले साल वो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पसंद थी वो सौर चेरीज. तो वो जैसे कि बड़े बड़े बर्ड्स लाइक जैसे बुलबुल बर्ड्स स्कारलेट्स ये उसे ज़्यादा खाते थे. एंड दे फ्लिटेड इट एंड आउट ऑफ द फॉयलेज फीस्टिंग ऑन द चेरीज. वो बर्ड्स उसे खाते थे और फेंक देते थे फीस्टिंग. वो चेरीज जैसे उनके लिए एक फीस्ट थी, एक जैसे उनके लिए एक पार्टी थी. ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून व्हेन इवन द बीस लुक स्लीपी राकेश वाज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर. और एक वार्म सनी आफ्टरनून में जब बीस भी एकदम स्लीपी लगती थी राकेश अपने ग्रैंडफादर के लिए देख रहा था. बट डिड नॉट फाइंड हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेसेस अराउंड हियर. पर उसने अपने दादाजी को कहीं जब वो अपने दादाजी को ढूंढ रहा था तो वो उन्हें उसे कहीं भी नहीं मिले. उनके फेवरेट प्लेसेस भी वो ढूंढा घर के, लेकिन वहाँ भी उसे नहीं मिले. देन ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो एंड सॉ ग्रैंडफादर रिक्लाइनिंग ऑन अ केन चेयर अंडर द चेरी ट्री. और अपने वो घर की खिड़की बेडरूम की खिड़की से देखा कि ग्रैंडफादर एक केन चेयर के ऊपर मतलब वो चेरी ट्री के नीचे एक चेयर के ऊपर ऐसे लेटे हुए थे. देर इज़ जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड हियर सेड ग्रैंडफादर. और कह रहे थे यहाँ तो बहुत अच्छी छाया है या मैं आराम से रेस्ट कर सकता हूँ. एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स. और राकेश को उस लीव्स को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. दे आर प्रिटी लीव्स सेड राकेश. वो बहुत ही सुंदर लीव्स हैं राकेश ने बोला. एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस. और वो हमेशा रेडी रहते थे डांस करने के लिए. जैसे ही हवा चलती थी तो वो अपने खिलने लग जाते थे इफ इट्स देयर अ ब्रीज. और अगर हवा चलती थी तो वो लीव्स अपने आप डांस करने लग जाते थे. आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर्स राकेश वेंट इनटू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास जैसे बीनीथ द ट्री. जैसे ग्रैंडफादर घर के अंदर आ गया राकेश गार्डन में गया और उस चेरी ट्री के नीचे सो गया ग्रास के ऊपर. ही गेज्ड अप टू द लीव्स एट द ग्रेट ब्लू स्काई. वो उस ट्री से वो ब्लू स्काई को देख रहा था. एंड टर्निंग ऑन हिज साइड. और वो इधर उधर अपना करवट बदल रहा था. He could see the mountains sliding away into the clouds. और वो देख रहा था लेट के कि कैसे mountains से clouds ऐसे चल जा रहे थे. He was still lying under the tree when the evening shadows crept across the garden. वो तब तक garden में tree के नीचे सोया था जब तक शाम की अंधेरा नहीं छा गई थी garden में. Grandfather came back and sat down beside Rakesh. And they waited in silence until it was dark. Grandfather फिर वापस गार्डन में आए और राकेश के बगल में बैठे और वो एकदम सुनसान होने का इंतज़ार कर रहे थे. मतलब वो पूरा अंधेरा होने का इंतज़ार कर रहे थे. There were so many trees in the forest, said Rakesh. राकेश बोला फॉरेस्ट में तो कितनी सारी ट्रीज हैं. What so special about this tree?
Why do we like it so much? अब राकेश अपने दादाजी से पूछ रहे हैं। फॉरेस्ट में तो बहुत सारे ट्रीज हैं, लेकिन ऐसी क्या स्पेशल है ये ट्री में? हम इसे इतना क्यों पसंद करते हैं? We planted it ourselves, said grandfather. Grandfather बोले कि हमें ये ट्री इसीलिए पसंद है क्योंकि इसे हमने खुद प्लांट किया। That's why it's special. That's why इसीलिए हमारे लिए चेरी ट्री बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसे हमने खुद प्लांट किया, खुद उसे न्यूटर किया, उसे मतलब उसे पाला पोसा लाइक अ बेबी। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड, सेड राकेश, एंड इट टच्ड द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट हैड ग्रोन। उसने और वो ट्री को छू के महसूस कर रहा था, मैंने तो एक छोटी सी सीड डाली थी और वो अब इतनी बड़ी ट्री हो गई इतनी सालों में। He ran his hands along the trunk of the tree and put his finger to the tip of the leaf. वो ट्री के ऊपर अपना हाथ वैसे चला के वो फील कर रहा था कि ये कितनी बड़ी हो गई है। मैंने एक छोटा सा सीड डाला था और वो अब इतनी बड़ी हो गई है। I wonder, he whispered, is this what it feels to be God? मैं सोच रहा हूँ वो whisper कर रहा था, क्या यही होता है, इसे ही कहते हैं गॉड? गॉड का मतलब यही फीलिंग है क्या गॉड होने का? मीन्स व्हाई ही इज फीलिंग लाइक अ गॉड? बिकॉज ही प्लांटेड अ ट्री, ही न्यूटर्ड हिम, ही टुक केयर ऑफ दैट ट्री लाइक अ बेबी। उसने पूरी तरह से उस ट्री का देखभाल किया, इसलिए वो उस ट्री का क्रिएटर जैसा फील कर रहा था। ही वॉज फीलिंग लाइक अ क्रिएटर ऑफ दैट ट्री। He was feeling like that tree was his own. उसे अपनापन लग रहा था। He got attached to that tree. By Ruskin Bond. So students, the chapter completes here. So अब हमें इस chapter से क्या पता चला? If we plant something and we take care of that thing, अगर हम उसे अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, उसे अच्छी तरह से प्यार देंगे, तो वो हमें आफ्टर कभी ना कभी वो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न देगी। एंड व्हाट दे गॉट इन रिटर्न? उन्हें एक बड़ी सी चेरी ट्री मिली। इससे राकेश को एक अपनापन सा फील हुआ उस चेरी ट्री से। सो स्टूडेंट्स, here completes the lesson. If you have any doubts regarding this chapter, you can ask me. I am going to clear it out in the next video. Read this chapter thoroughly, revise it, understand it. Thank you. And in the next video, I am going to discuss the question and answers of this chapter.